हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसी के रिमोट को कैसे ऑपरेट करते हैं। जो एसी के रिमोट रहते हैं ऑलमोस्ट इसी टाइप के रहते हैं। कुछ कुछ की जो शेप अलग रहता है, कुछ कुछ की जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे देते हैं। बट अगर हम बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करें तो सारी फंक्शनैलिटी जो बेसिक होती है वो सेम ही होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहला बटन होता है वो होता है ऑन ऑफ का बटन, जिसे आप जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपके एसी के रिमोट में बहुत सारे आइकन आ जाएंगे और आपका एसी ऑन हो जाएगा। एंड स्टिल ये टेम्परेचर तो बताते ही है। और ऑफ कर देंगे, एक और बार प्रेस करेंगे तो आपका एसी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने अपना एसी ऑन कर दिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइकन आ रहे हैं, अपन एक एक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट बटन होता है प्लस एंड माइनस का बटन। प्लस से आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, माइनस करेंगे आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैक्सिमम प्लस से 30 तक ही जाएगा और मिनिमम आप 16 तक कर सकते हैं एसी को, 16 से नीचे ही नहीं जाएगा। सो प्लस एंड माइनस की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, बहुत सिंपल है। प्लस से बढ़ेगा, माइनस से कम होगा। सेकेंड होता है फैन। फैन में अपना आप यहाँ आइकन देख सकते हैं। फैन का ये आइकन है जो अभी ऑटो पे सेट है, लेकिन अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अपन आप फैन को अपन दबाएंगे तो सबसे लोएस्ट बार आ जाएगा। इसका मतलब है जो फैन है वो स्लो स्पीड में चलेगा, सबसे स्लो स्पीड में। अब एक और बार प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है फैन जो फैन है वो मीडियम स्पीड पे चलेगा। और अगर आप एक और बार प्रेस करेंगे जो फैन है वो अपनी हाई स्पीड पे चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फैन ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल करे तो आप इसको एक और बार प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटो लिखा आ गया। इसका मतलब जो फैन है अपना वो ऑटो पे चलेगा, ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर लेगा। अगला बटन होता है स्विंग बटन। स्विंग में आपने देखा होगा जो आपका एसी का एयर ग्लाइडर है जो ओपन होता है, तो ये उसको कंट्रोल करेगा। जैसे मैं इस बटन दबाता हूँ ये स्विंग का आइकन यहाँ पे आ गया। अब ये देख सकते हैं आप स्विंग का आइकन में बहुत सारे बाहर की तरफ डंडे निकले हुए, लाइंस निकली हुई है। सो इसका मतलब है ये जितनी लाइन जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ आपका एयर ग्लाइडर जाएगा। इसको मैं अगर एक बार प्रेस करूँगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको जल्दी जल्दी दो टाइम प्रेस करा, ये देखिए, तो एक ही लाइन आ रही है वो भी ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो आपका एयर ग्लाइडर है वो ऊपर की तरफ पोजिशन हो जाएगा। आप इसको एक और बार प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, और प्रेस करेंगे तो और नीचे आएगा, और प्रेस करेंगे ऐसे आप प्रेस करते जाएंगे सबसे लास्ट से। इससे नीचे आपका एयर ग्लाइडर आ नहीं सकता। आप इसको अगेन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ तीन लाइन है। इसका मतलब ये नीचे से थ्री टाइम्स, तीन बार ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। अगेन प्रेस करेंगे तो मिडिल में स्विंग करेगा, एंड आप अगेन प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ स्विंग करेगा। तो ये स्विंग बटन, और एक और बार प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर आप प्रेस करेंगे तो अगेन वो उसी टाइप से चालू हो जाएगा। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करना है तो आपको जल्दी जल्दी दो बार टैप करना पड़ेगा तो आपका पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट बटन होता है क्लॉक बटन। हाँ, क्लॉक बटन एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। ये इसके लिए काम आता है, आप टाइमर लगाते हैं तो आपकी एसी की क्लॉक सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लॉक बटन पे, अभी देखिए मेरी क्लॉक चल रही है 15:40 पे, ठीक है। जैसे ही मेरे को अगर अपनी क्लॉक को चेंज करना है, फिर सेट करना है, तो मैं क्लॉक के बटन को दबाऊंगा तो देखिए क्लॉक जो है ब्लिंक करने लगी। अब मैं प्लस एंड माइनस से इसका टाइम आगे पीछे चल सकता हूँ। अगर मैं टाइटली दबा के रखूंगा थोड़ी देर तो जो टाइम है जल्दी जल्दी एडवांस होता जाएगा। देखिए 17 हो गया, 18 हो गया, ऐसे ही जल्दी जल्दी बढ़ता जाएगा। और आप कम करना चाहे तो इससे पीछे हो जाएगा आपका टाइम। तो जो भी आपका टाइम है आपको सेट करना है इससे सेट हो जाएगा। जैसे मेरे को सेट करना है 15:23 या 15:22। जैसे मेरा 15:22, आपको एक और बार क्लॉक के बटन को दबाना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। सो जब भी आपको क्लॉक सेट करना है पहले आपको क्लॉक का एक बार दबाना है, फिर प्लस एंड माइनस से आपको क्लॉक का टाइम आगे पीछे करना है। और जब आप समय आपको लगे कि ये टाइम सही है तो आपको क्लॉक का बटन एक और बार दबाना है ताकि आप कंफर्म कर सके। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो जो क्लॉक है वो फिर से डिफॉल्ट पे चली जाएगी। ठीक है, अगला बटन हो रहा है टाइमर ऑन का बटन। टाइमर ऑन से आप टाइमर सेट कर सकते हो कि आपको कितने का टाइमर लगाना है। जैसे मैंने टाइमर ऑन का प्रेस करा, अगेन ऑन ऑफ हो गया मेरा, अभी टाइमर नहीं चल रहा है। अब मैंने फिर से प्रेस करा तो ये टाइमर पूछा, मेरा 20, 22, 30 का टाइमर है। मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, ये देखिए मैं इसको आगे कर रहा हूँ, ये मेरा आगे हो रहा है टाइमर, और ये मैं पीछे कर रहा हूँ। अगेन ये जैसे मैंने क्लॉक के साथ करा था, जैसे मैंने टाइम सेट करा फिर से मुझे टाइमर ऑन का बटन एक और बार दबाना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। अगर ऐसा मैं नहीं करता हूँ तो मेरा टाइमर सेट नहीं होगा। तो ये देखिए ऑन लिखा आ गया, इसका मतलब मेरा ऑन टाइमर सेट है। इसका मतलब जब आपका एसी ऑफ है और आपने टाइमर सेट करके रखा है तो पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाएगा। मैं फिर से देख बताता हूँ आपको, आपने टाइमर ऑन को क्लिक ऑफ को एक और बार क्लिक करेंगे तो आपका ऑन का आइकन चला जाएगा। इसका मतलब है आपका टाइमर ऑन ऑफ कर चुके हैं। आपको टाइमर ऑन का एक और क्लिक करना है, इसके बाद इसका टाइमर ऑटोमेटिकली आपको सेट करना है जो आपको चाहिए हो, एंड देन मैन्युअली सेट करने के बाद टाइमर ऑन का एक और बार दबाने से कंफर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट बटन होता है टाइमर ऑफ बटन। जो टाइमर ऑन है वो एसी कब ऑन होना है वो डिसाइड करता है, टाइमर ऑफ ये डिसाइड करता है कि एसी कब ऑफ करना है। लाइक आप रात को सो रहे हो और आपको जानना है आपको रात के 4 बजे ऑफ करना है, तो आपको सिंपली टाइमर ऑफ का बटन प्रेस करना है। टाइमर आपको लगाना है कि आपको कब का ऑफ करना है, लाइक मेरे को 4 बजे का ऑफ करना है, तो मैं माइनस बटन से 4 तक जाऊंगा एंड देन टाइमर ऑफ को कंफर्म कर दूंगा। तो ये देखिए अब ऑन एंड ऑफ दोनों है, मतलब मेरा ऑन भी सेट है ऑफ भी सेट है। अगर मैं ऑन को ऑफ कर दूंगा तो सिर्फ मेरा ऑफ टाइमर रहेगा, सिर्फ मेरा 4 बजे एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा टाइमर ऑफ का काम है। टेम्प बटन जो होता है वो टेम्परेचर बताता है। अगर आपने इसको ये से सेट करके रखा है तो कुछ नहीं बताएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका आइकन आता है टेम्प बटन का। इसका सिर्फ बेसिकली इसका यूज़ ये है कि ये आपको इंडोर टेम्परेचर बताएगा। ऐसा हो सकता है कि घर आपके बाहर टेम्परेचर अलग हो और अंदर का टेम्परेचर अलग हो, तो टेम्प बटन से आप ये करोगे तो इसका जो थर्मोमीटर है वो टेम्प घर के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये आपको अंदर का टेम्परेचर बताएगा। एंड इसको अगेन सेट कर दोगे तो ये बाहर का टेम्परेचर बताएगा। ये देखिए थर्मोमीटर बाहर आके इसका मतलब ये बाहर का टेम्परेचर बताएगा। तो टेम्प बटन जो डिस्प्ले पे टेम्परेचर है उसको सेट करने के लिए होता है। ब्लो फंक्शनैलिटी, ये ब्लो बटन है। ब्लो बटन जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे देखिए एक फैन टाइप का आइकन आ गया। तो ब्लो बटन का ये काम होता है कि जैसे आप एसी ऑफ करते हो तो जो आपका एसी का फैन है वो चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि जैसे आप एसी ऑफ करते हो तो आपका जो एसी है उसमें मॉइस्चर रहता है बहुत सारा, तो अगर आप उसको ब्लो कर दोगे तो जब फैन थोड़ी देर चलता रहेगा तो वो मॉइस्चर उड़ जाएगा। ये अगर ये वैसे बहुत इफेक्टिव है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, जो आपकी वो आपकी जो एयर ग्लाइडर्स रहते हैं और जो उसके अंदर की जो पाइप्स रहते हैं उस पे मॉइस्चर जमता जाता है। उससे क्या होता है जो आपका फैन है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो फैन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा चलना, क्योंकि उस पर बहुत सारा मॉइस्चर जमा हो जाएगा, धूल जमा हो जाएगी। इसके लिए आप ब्लो फंक्शन यूज कर सकते। अगर आपने ब्लो लगा दिया तो आप एसी ऑफ करने के बाद भी आपका एसी का जो पंखा है आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जो पंखा है वो चलता रहेगा इस ब्लो बटन से। नेक्स्ट बटन होता है टर्बो बटन। टर्बो बटन जब यूज होता है, ये देखिए टर्बो का आइकन आ गया यहाँ पे। टर्बो बटन जब यूज होता है जब आपको बहुत जल्दी रूम कूल करना हो, मतलब जैसे आप कहीं बाहर से गर्मी से आए हो और आपको एकदम से पूरा रूम कूल करना है, तो आप टर्बो बटन यूज कर सकते हो। इससे जो आपका एसी का फैन होगा वो मैक्सिमम स्पीड पे चलता है और आपको बहुत जल्दी कूलिंग बताता है। स्लीप बटन का ये काम होता है, ये देखिए स्लीप बटन आपने जैसे प्रेस करा है यहाँ पे एक मून का आइकन आ गया होगा। ये देखिए तो स्लीप बटन का ये काम होता है कि जैसे आपने रात को मैंने 18 डिग्री पे लगा के सो गया। अब ऐसा होता है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, बाहर का टेम्परेचर कम होता है। सो जो स्लीप क्या करता है, जैसे 18 डिग्री पे लगा के रखा है मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली एसी को 19 या 20 डिग्री पे कर देगा, जैसे रात को टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कम होता है। तो ये बेसिकली एडजस्ट करता है टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर अंडर का टेम्परेचर को एडजस्ट करता है ताकि आपको रात को ठंड ना लगे, ठीक है। तो स्लीप बटन का काम ये होता है। उसके बाद होता है लाइट बटन। लाइट बटन जैसे आपने क्लिक करा ये देखिए बल्ब जल गया यहाँ पे। लाइट बटन का बेसिकली ये काम होता है कि आपका जो एसी है उसमें आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं। एक ऑन का इंडिकेटर होता है, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं उसका इंडिकेटर होता है, और एक टेम्परेचर डिस्प्ले करता है। लेकिन जैसे आप रात को सो रहे हैं और आपको कोई भी लाइट नहीं चाहिए आपके रूम में, तो आप लाइट बटन को ऑफ कर लीजिए। जैसे ही लाइट चलेगी तो आपके एसी को आपको पता ही नहीं चलेगा चल रहा है कि नहीं, लेकिन आपका एसी चल रहा है, उसमें कोई इंडिकेटर नहीं आएगा। इससे आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये सारे बटन से अब मैं मोड बटन बताता हूँ आपको। बेसिकली मोड के 4 ऑप्शन होते हैं, बट बहुत सारे एसी में 3 ही काम करते हैं। तो अपन सबसे ऊपर से चालू करते हैं। ये कोई मोड नहीं है, सब ऑफ है, इसका मतलब सारा ऑफ है। अब मैंने प्रेस करा, ये जो है ये एक टाइप से बल्ब का सिंबल है। इसका मतलब होता है कि आपका कंप्रेसर अभी चल रहा है और आपने जो टेम्परेचर सेट करा है वो टेम्परेचर आपका बता रहा होगा, ठीक है। अभी अपन ने जितना भी काम करा है इसी पे करा है। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है ये, देखिए आपने 3 रेनड्रॉप बनी होगी इस पे। इन रेनड्रॉप का मतलब होता है कि जो आप जैसे रेनी सीजन है, रेनी सीजन में ठंडक तो रहती है लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी भी आ जाती है। तो जो रेनड्रॉप जो होती है इस मोड में क्या होता है, जो आपका ऑटोमेटिकली वो आपका ह्यूमिडिटी हटाता है, मॉइस्चर जो होता है आपके रूम से वो हटाता है, इजिली कूलिंग करता है। तो बेसिकली ये ह्यूमिडिटी हटाने के लिए मोड यूज होता है, इसको डिह्यूमिडिफायर भी बोलते हैं। अगला मोड जो होता है फैन मोड होता है। फैन मोड में ये होता है कि कभी कभी आपको सिर्फ पंखा चलाना होता है, कंप्रेसर बंद करना होता है। तो इस केस में सिर्फ आपका फैन चलेगा, जो आउटडोर यूनिट है जो कि कंप्रेसर बोलते हैं वो ऑफ रहेगा। और नेक्स्ट मोड जो होता है हीटर मोड होता है। कुछ कुछ एसी होते हैं लाइक वोल्टास के भी एसी आते हैं जिसमें हीटर भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है, उस केस में ये काम आता है। ये हीटर मोड में क्या होता है, एसी हीट फेंकता है बाहर, बट ये सारे एसी में नहीं होते, बहुत कम एसी में ऐसा होता है जो डुअल एसी का काम करते हैं।
बाकी के एसी में ये मोड नहीं होता। तो इस मोड में आप कुछ भी करेंगे आपका वर्क नहीं करेगा, अगर आपके आपके जो एसी है वो हीटर मोड नहीं है जिसमें। तो बस यही थे सारे इसके ऑप्शन, आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एसी रिमोट का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपका आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।